हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे सुपर हीरो दुनिया में, जहां हम बात करते हैं सुपर हीरो से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो गाइस, पहले बार सुपर हीरो कॉस्मोस के चैनल में ये होने वाला है। हम करने वाले एक वर्सेस बैटल, जो कि होने वाला है एक्वामैन वर्सेस नैमोर के बीच में। दोनों किंग ऑफ अटलांटिस है अपने अपने यूनिवर्स में। सो देखते कौन है सबसे ज़्यादा सुपीरियर और कौन है इतना नहीं सुपीरियर। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें तो सबसे पहले पता चले। तो यहाँ मुंबई में तो बारिश हो रहा है और साइक्लोन का भी थोड़ा चालू है। तो देखते अगर थोड़ा सा नॉइज़ आना तो मेरे को माफ़ कर देना। बारिश है, खिड़कियाँ तो बंद की, लेकिन फिर भी नॉइज़ आता है। तो आओ यार बिना किसी देरी वीडियो शुरू कर स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ एक्वामैन का। एक्वामैन डीसी का किंग ऑफ अटलांटिस है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना सब है। एक्वामैन एक क्रूज शिप तक उठा सकता है एंड वो इवन लावा में स्विम कर सकता है। तो बात कर सकते हैं एक्वामैन भी बहुत पावरफुल है। ओके सो गाइज, अभी बात करते हैं हम नैमोर द सबमरीनर के बारे में। सो नैमोर मार्वल का किंग ऑफ अटलांटिस है। उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना है। और नैमोर है ना, वर्लपूल क्रिएट करता है। जब भी वो भागता है, मूव करता है, तो उतना फास्ट होता है कि वो एक वर्लपूल क्रिएट करता है। और उसने थानोस को ब्लीड किया है कॉमिक्स में और हल्क की वाट लगा दी है। तो आप सोच सकते हो कितना पावरफुल होगा। ये तो हो गया अभी इनका पावर लेवल्स। हम स्टार्ट करते हैं मेन मैच। तो पहले बात करते हैं पावर लेवल्स के बारे में। तो दोनों नैमोर और एक्वामैन कॉमिक्स में बहुत बार भिड़ चुके हैं। और उनका मेजर डिफरेंस ये है कि एक्वामैन हमेशा अपने स्पेसिफिक और या फिर स्पेसिफिक दुश्मन के साथ लड़ाई करता है, लेकिन यहाँ पर नैमोर है ना, वो हमेशा बैटल करता रहता है मार्वल कैरेक्टर्स के साथ ही। और नैमोर के पास जो एंटी हीरो पर्सनालिटी है ना, वो उसको मदद करती है इनका ओपोनेंट जैसे एक्समैन, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के साथ बैटल करने के। सो देखा जाए तो नैमोर ने मोर पावरफुल ओपोनेंट से फाइट किया है कंपेयर टू एक्वामैन। सो नैमोर के जो ओपोनेंट्स है वो ज़्यादा पावरफुल है एक्वामैन से। अभी हम बात करते हैं मेन पावर के बारे में। सो नैमोर के पास एक्चुअली एक यूनिक पावर, ये यूनिक एबिलिटी है। वो आधा ह्यूमन है और आधा अटलांटियन, लेकिन नैमोर के पास एक यूनिक म्यूटेशन है जो उसको मदद करता है उड़ने में। सो यहाँ पे देखा जाए तो नैमोर के पास सिर्फ अटलांटियन डीएनए नहीं है, बल्कि म्यूटेंट डीएनए भी है, जो जिसके वजह से नैमोर का एक एडवांटेज हो जाता है एक्वामैन के पास से, क्योंकि नैमोर के इस म्यूटेशन एबिलिटी की वजह से वो एक स्टेप अहेड हो जाता है एक्वामैन से। तो ये राउंड में क्लियरली पावर्स के, यूनिक पावर्स के राउंड में नैमोर जीत जाता है उसके म्यूटेशन की वजह से। गाइस, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट राउंड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे ना एक्वामैन के पास एक स्लाइट एडवांटेज है नैमोर के ऊपर से, जो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है और वो सिमली रखे है। तो एक्वामैन को कैरेक्टर थोड़ा ईजी है, और एक्वामैन अवॉइड करता है डेथ वगैरह करना, क्योंकि ऐसे उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अटलांटिस का किंग है और वहाँ पे वो जस्टिस लीग का मेंबर है। और अगर अदर एंड हम नैमोर की बात करें तो क्लियरली एक विलन है। सो इससे ही क्लियर हो जाता है कि एक्वामैन को ओके। सो एक्वामैन एक सुपर हीरो कैरेक्टर और नैमोर का एक विलनियस कैरेक्टर है कॉमिक्स में। गाइस, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ, जो कि है स्ट्रेंथ। सो दोनों के पास इक्वल स्ट्रेंथ है, लेकिन हावर एक्वामैन के पास थोड़ा पावर सिमिलर है सुपरमैन से, और नैमोर के पास थोड़े पावर सिमिलर है स्ट्रेंथ के मामले में हल्क से। सो यहाँ पे कोई एक एक्यूरेट कह सकते हैं कि एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है कि कौन ज़्यादा लिफ्ट कर सकता है या फिर किसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है ओके। सो ये राउंड ना बेसिकली टाई हो जाता है, क्योंकि दोनों के पास इक्वल लेवल का स्ट्रेंथ है। कोई एक स्टेप अहेड नहीं है या फिर कोई एक स्टेप पीछे नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ वाला जो राउंड है वो टाई हो जाता है दोनों के बीच। अभी हम बढ़ते हैं हमारे मैच के आखिरी राउंड की तरफ, जो कि है ड्यूरेबिलिटी। सो जैसे उनका स्ट्रेंथ दोनों सेम था, वैसे ही वहाँ पे उनकी लेने की क्षमता या डैमेज करने की क्षमता भी सेम ही है। सो देयरफॉर क्या होता है उसकी वजह से कि दोनों कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज, जो अल्टीमेटली हो जाती है उनके टाइस। सो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के सामने दोनों बहुत ही सिमिलर है। अभी एंडिंग में रिजल्ट क्या है मुझे पता है। यहाँ पे
बहुत लोग बोलेंगे एक्वामैन, बहुत लोग बोलेंगे नैमोर, तो वो सब अपने अपने पर्सपेक्टिव पे बेस्ड होता है। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से नैमोर विनर है। क्यों? मेरे को पता है, अगर मैं नैमोर बोलूँगा ना कमेंट्स में बोलेंगे नहीं एक्वामैन बेस्ट है। तो मैं आपको रीजंस बताता हूँ। एक, दोनों बहुत ही हद तक सिमिलर है, लेकिन जो एक क्वालिटी, एक एबिलिटी जो नैमोर को एक स्टेप अहेड कर रही है, वो है उसकी म्यूटेंट पावर, उसकी एंटी हीरो पर्सनालिटी, जो उसको ज़्यादा पावरफुल बनाती है, जिसको ओपोनेंट को भी एक स्ट्रॉन्गर बना देती है, जो कि उसकी ये म्यूटेंट पावर। अगर म्यूटेंट पावर नहीं रहती तो दोनों हद तक बहुत ही हद तक सिमिलर है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस उसकी बात करें तो यहाँ पे एक्वामैन जीत जाता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो एक सुपर हीरो है, हालांकि नैमोर एक विलन है। आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहले बार मैंने वर्सेस बैटल ट्राई किया है, तो अगर कोई मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे फॉरगिव कर देना। आपको ऐसे ही वर्सेस बैटल चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सब पे वर्सेस बैटल बनाऊंगा। तो ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, उसके इंस्टा में भी फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल की वीडियो, मुझे सजेशन करना, मैं नए वीडियो लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।